शाहरुख सलमान के फैंस के लिए आई बुरी खबर, ठंडे बस्ते में गई मोस्ट अवेटेड फिल्म। शाहरुख खान सलमान खान की टाइगर वर्सेस पठान पर मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, रोकी गई शूटिंग। सलमान का घटता स्टारडम रहा कारण, या शाहरुख नहीं करना चाहते सलमान के साथ काम। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2023 में लगभग 4 सालों के बाद फिल्म पठान में कमबैक किया। ये फिल्म रिलीज होने से पहले बेशर्म रंग गाने को लेकर काफी विवादों में रही। हालांकि कई तरह के विवादों में घिरने के बाद भी शाहरुख खान इस कारण बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में तहलका मचा गए। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे बड़े कलाकार नजर आए। लीड रोल में ये सब दिखाई दिए। दिलचस्प बात तो ये रही कि फिल्म में सलमान खान का भी धांसू कैमियो था, जिसने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। शाहरुख और सलमान को बड़े पर्दे पर एक साथ देखकर फैंस मानो पागल हो गए। तभी से खबरें आने लगी कि मेकर्स अब टाइगर वर्सेस पठान बनाने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अब इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग मार्च 2024 में शुरू होनी थी। आदित्य चोपड़ा ने सोचा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर थोड़ा काम किया जाए ताकि जनता को बेहतर फिल्म देखने को मिले, तो वहीं टाइगर 3 भी फ्लॉप सी हो गई, इसलिए डर और बढ़ गया। यहां आपको बता दें कि यशराज फिल्म्स की अगली बड़ी पिक्चर टाइगर वर्सेस पठान होने वाली थी, जिसमें शाहरुख और सलमान दोनों ही आमने सामने होने वाले थे। स्पॉय यूनिवर्स की इस फिल्म को लेकर तरह तरह की खबरें आने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब पठान वर्सेस टाइगर नहीं बनेगी, क्योंकि जलवा जो सलमान खान का था वो अब नहीं रहा और शाहरुख भी सलमान के साथ काम नहीं करना चाहते। ऐसी बहुत सारी अफवाहें तैरती रही। तो वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर और आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग को रोक दिया गया है, यानी इस फिल्म को ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है। दरअसल अभी हाल ही में पिंक विला के एक जर्नलिस्ट का एक ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें लिखा है, खबर है कि 2024 की मेगा फिल्म 2025 के पहले क्वार्टर में रिलीज की जाएगी। इसका नाम मेकर्स और फिल्म की टीम ही बताएंगे, मगर इस ऑफिशियल डिले का पता फिल्म के ओटीटी पार्टनर्स से चला है, बाकी आगे देखते हैं। ऐसा ही एक पोस्ट लेट सिनेमा नाम के एक पेज से किया गया, जिसमें लिखा था, ब्रेकिंग, हिंदी की एक बड़ी फिल्म जिसे बहुत बड़े डायरेक्टर ने बनाया है, वो बजट के चलते ठंडे बस्ते पर चली गई है। हालांकि इन दोनों ही ट्वीट्स में किसी भी फिल्म का नाम नहीं लिया गया, मगर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पिक्चर हो ना हो शाहरुख सलमान की टाइगर वर्सेस पठान ही है, क्योंकि इस फिल्म में 2 सुपरस्टार होने वाले हैं, जिसका बजट भी काफी ज्यादा होगा। इन सभी खबरों के बाद मूवी हब नाम के एक पोर्टल ने ट्वीट किया और कहा कि स्क्रिप्ट में चेंज की वजह से टाइगर वर्सेस पठान को खिसकाया जा रहा है। हालांकि इन सभी ट्वीट्स में क्या सच्चाई है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब टाइगर वर्सेस पठान के डिले होने की खबर सामने आई हो। पिछले दिनों बॉलीवुड हंगामे ने भी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छापी, जिसमें बताया गया कि टाइगर वर्सेस पठान 2026 में रिलीज हो सकती है। बताया गया कि टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग मार्च 2024 में शुरू होगी और फिल्म 2025 की आखिरी तिमाही में रिलीज करने की प्लानिंग है, मगर आदित्य चोपड़ा ने सोचा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर थोड़ा काम किया जाए ताकि जनता को और बेहतर फिल्म नजर आए, तो वहीं इसका डिले किया गया। वहीं कुछ दिनों बाद खबर आई कि आदित्य चोपड़ा अक्टूबर 2023 से टाइगर वर्सेस पठान का प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जनवरी फरवरी 2024 तक चालू कर दी जाएगी। फिल्म की स्टोरी लाइन तो कुछ समय पहले ही फाइनल कर ली गई थी, फिर उसे स्क्रिप्ट में तब्दील किया गया। फिल्म की कहानी श्रीधर राघवन के साथ आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। खैर, इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। फिलहाल ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, #भारत।